गाइस, एक बार जर्मनी में वहां की सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। अब इस चीज का विरोध करने के लिए वहां के लोगों ने जो तरीका आजमाया वो बहुत ही निराला था, जिसे देखने के बाद वहां की सरकार को भी झुकना पड़ा। वो क्या था मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जैसे ही पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, उसके एक घंटे के अंदर वहां के लोग अपनी कारों को लेकर सड़क पर आए और उसके बाद सड़क पर ही अपनी कारों को छोड़कर चले गए। जी हाँ गाइस, 10 लाख कारों को सड़क पर देखकर सरकार सकते में आ गई और फिर से उन्होंने पेट्रोल के दाम घटा दिए। गाइस, विरोध करना जायज है, सही है, लेकिन उसका तरीका सही होना, इफेक्टिव होना और शांति प्रिय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइस, बड़े दिल वाला किसे कहते हैं, आज मैं आपको एक रियल इंसिडेंट से बताना चाहता हूँ। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि एक छोटा सा बच्चा था जिसके पास खुद की एक साइकिल थी, लेकिन प्रॉब्लम साइकिल के साथ ये थी कि उसमें ब्रेक अच्छे से नहीं लगता था। अब वो साइकिल के साथ जा रहा था, सामने से कार आई, ब्रेक अच्छे से लगा नहीं, वो साइकिल सीधे कार में ठुक गई। अंकल बाहर आए, उन्होंने देखा कि कार में डेंट पड़ गया। अब वो चाहते तो बच्चे पे चिल्ला सकते थे, गुस्सा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट उस बच्चे को उन्होंने एक साइकिल भी गिफ्ट की। ओह माय गॉड गाइस, वो साइकिल पाके वो छोटा सा बच्चा भावुक हो गया था। इस इंसिडेंट से आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कभी कभी बेवजह कुछ अच्छा करके देखिए, आपके दिल को बहुत ही सुकून महसूस होगा। गाइस, भगवान ने ना इंसान नामक एक बहुत ही गजब की मशीन बनाई है। कैसे, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। क्या आपको पता है कि जब आपको उल्टी आने वाली होती है तो उससे 30 से 35 सेकंड पहले आपका पूरा का पूरा मुंह लार से भर जाता है। कभी गौर करके देखना। पर सवाल ये कि ऐसा होता क्यों है, तो देखो मैं आपको बताता हूं। आपकी जो लार होती है ना, वो क्षारी यानी बेसिक नेचर की होती है, और जब आपको उल्टी आने वाली होती है तो उल्टी के साथ साथ पेट से खतरनाक एसिड भी मुंह में आने वाला होता है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए और आपके मुंह को बचाने के लिए वो लार पैदा होती है। और उसके अलावा लार 30 से 35 सेकंड पहले पैदा होती है, वो आपको इंडिकेट भी करती है कि आपको उल्टी आ सकती है। है ना अमेजिंग फैक्ट। गाइस, इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये अब तक की किसी भी कैमरे के द्वारा ली गई सबसे साफ फोटो है। खा गए ना धोखा। एक्चुअली ये फोटो नहीं है, आप हैरान हो जाएंगे कि ये एक पेंटिंग है जो कि ऑयल पेंट से बनी है। इनफैक्ट ये इतनी ज्यादा क्लियर है कि पहली बार देखने से तो ऐसा लगता है कि शायद किसी हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे से ली गई फोटो है। ये ऑयल पेंट से बनी है, इसको भी चेक करने के लिए लोग मैग्नीफाइंग ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। इस पेंटिंग को बहुत सारे अवार्ड्स तक मिल चुके हैं। ये पेंटिंग वर्ल्ड रिनोन चाइना के लेंग जून ने बनाई है, तो इस जीनियस आर्टिस्ट के लिए एक हार्ट तो बनता है। एक बार एक चाइनीज व्यक्ति एक एनिमल शेल्टर से एक बहुत ही प्यारे कुत्ते को घर पे लेके आया। वो कुत्ता बहुत ही समझदार था, लेकिन उस चाइनीज व्यक्ति ने एक अजीब सी हरकत उस कुत्ते की नोट की। वो कुत्ता पूरी रात अपने मालिक को सोते हुए देखता था। शुरू में उन्हें लगा कि शायद वो नया है, इसलिए एडजस्ट होने में समय लग रहा है। लेकिन जब वो लगातार ऐसा करता रहा तो उन्होंने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि ये तो बिल्कुल स्वस्थ है। थक हार कर जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो उसी शेल्टर में दोबारा गए। तो जो शेल्टर वाले ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। शेल्टर वाले ने कहा कि जब ये सो रहा था तब उसका पुराना मालिक उसे उठाकर यहाँ शेल्टर में छोड़ के चला गया। शायद इसीलिए वो पूरी रात आपको देखता है, कहीं आप उसे धोखा ना दे दो। गाइस, ये बेजुबान जानवर भी फीलिंग्स रखते हैं, इनमें भी संवेदनाएं होती हैं, इनका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने सैकड़ों निहत्तों पर गोलियां चलवा दी, तो इस बाग से 40 किलोमीटर दूर एक गांव से 11 साल का बच्चा जलियांवाला बाग की तरफ पैदल निकल पड़ा और बाग में खून से सनी मिट्टी को अपने हाथ में लेकर अंग्रेजों से आजादी के सपने देखने लगा। ये मिट्टी लेकर जब वो घर पहुंचा तो उसने पिताजी को कहा कि पिताजी आप कहां जा रहे हैं, तो पिताजी ने जवाब दिया कि मैं आम की गुठलियां बोऊंगा जिससे पेड़ लगेगा और बहुत सारे आम मिलेंगे। तो जानते हो उस बच्चे ने क्या कहा, उस 11 साल के बच्चे ने कहा कि मैं भी इस खेत में बंदूक बोना चाहता हूं जिससे मुझे बहुत सारी बंदूकें मिले और मैं अपने देश को आजादी दिला सकूं। इस क्रांतिकारी विचार को रखने वाले का नाम है शहीद भगत सिंह, जो हमारे लिए, इस देश के लिए हंसते हंसते ये कहकर फांसी पर चढ़ गए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है।